मनान दे तो कुछ दूरी पर आपको विश्राम करने के लिए बहुत अच्छा बनाया गया हुआ है। देखिए लकड़ी से सजाया गया। अब हम इनसे बात करेंगे हमारे बिजली महादेव ट्रैक के बारे में, ये किस तरह से हमें अपने साथ लेकर क्या क्या एक्टिविटी करना चाहेंगे वहाँ पर अपने एक्सपीरियंस। तो हम जहाँ जा रहे हैं बिजली महादेव, वो बहुत ही भोलेनाथ का माना हुआ स्वच्छ स्थान है और जो इस स्थान की मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि हर साल में एक बार बिजली गिरती है यहाँ पे पिंडी के ऊपर और बोलते हैं वो पिंडी फट जाती है और उसको मक्खन का लेप लगा के फिर से तो ठीक किया जाता है। बट एक और स्टोरी भी है इसके पीछे। कहा जाता है कि यहाँ एक राक्षस होता है जलंधर नाम का, तो उस राक्षस को मारने के लिए भगवान शिव यहाँ पे आए थे और उस राक्षस से मुक्ति दिलाई यहाँ के लोगों को उसको मार के। बोलते हैं कि जो बिजली गिरती है यहाँ पे आपको एक खम्बा, बिजली का लकड़ी का खम्बा जैसा मिलेगा ताकि वो सारी बिजली चूस ले। बोलते हैं जब वो बिजली गिरती है तो शिवलिंग उससे मतलब उस राक्षस की एनर्जी फिर से जनरेट होती है, मगर वो खम्बा इसलिए लगा है ताकि वो राक्षस फिर से जनरेट ना हो पाए और मंदिर भी तभी बनाए यहाँ पे। और आज की एक्टिविटी के बारे में हम आपको बताएं तो आज हम सिर्फ घूमने आए हैं और कुकिंग करेंगे, ऊपर पुलाव वगैरह खाएंगे। बोटी हमारे अभी आई नहीं है, सारे साथियों के साथ बहुत मज़ा करने वाले हैं। थैंक यू उज्ज्वल भाई, आपसे मिलकर और हमारे दर्शकों को आपकी जानकारी से बहुत लाभ मिलेगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपने हमें इस जगह के बारे में वाकिफ करवाया और अपने अंदर के नॉलेज को सब में बांटने का प्रयास किया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं। बने रहिए। यहाँ पर है हमारा पहला शिकारी और यहाँ पर है हमारा दूसरा जो कि अपने हथियार के साथ बिल्कुल सही जगह बैठे हुए और यहाँ पर है अपनी मंजिल पे। तो यहाँ पर जैसे आप देखते हैं यहाँ अभी हम आग जलाई हुई है और अभी हम कुछ यहाँ पर बनाएंगे। तो ये है 16 टंकी यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो देखते आप 16 टंकियाँ रखी हुई है जिसकी वजह से यहाँ का नाम फेमस हो चुका है 16 टंकी। तो जैसे आप देख सकते हैं ऐसा है कुछ यहाँ का व्यू अभी दिखाएंगे आपको। तो बाकी तो कुछ नहीं है यहाँ पर, मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है तो अभी हम कुछ बनाएंगे। अभी यहाँ लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं तो कुछ अभी देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं अभी आपसे वीडियो में। ठंडा यहाँ पर अभी हम लकड़ियाँ काट रहे हैं अपने, कुछ यहाँ पर अपने पतीले भर रखे हुए हैं और यहाँ पर सारे हैं यहाँ पर ठंड के मारे, क्योंकि यहाँ का मौसम एकदम बदलता है। यहाँ पर पहले भी बंदे आए हुए बचपन के द्राक्षी वाले गाने हैं। मुझको प्रिया ने देख लिया हाय रे धोखे से।